हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित तापड़िया। और अब जैसे कि मैंने कहा, ये रीस्टार्ट सीरीज धमाका मचाने वाली। इस एग्जाम के एंड में आप लोग मुझे घर आके मिठाई के डब्बे देके जाओगे, याद रखना। क्योंकि मैंने जैसे कि कहा है, मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स का पूरा कंप्लीट रिवीजन प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, एकदम कंप्लीटली फ्री में। आप आराम से YouTube पे हमारे चैनल को फॉलो करके सारे के सारे 12th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड, 11th स्टैंडर्ड गुजरात बोर्ड और इसके बाद में बीकॉम बीबीए के भी सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज जैसे कि हमारी सीरीज का चौथा वीडियो आ रहा है, मैंने सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट किया है। पहले हमने 11th चैप्टर किया था, फिर 10th किया था, फिर 9th किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जरूर से जाके इस प्लेलिस्ट में आगे देखिएगा। आज मैं लेके आ रहा हूँ इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 और ये चैप्टर है कंप्लीटली रिलेटेड विद एग्रीकल्चर। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आर एग्रीकल्चर सेक्टर। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा देश आज तक खेती के लिए जाना गया है। इंडियन इकोनॉमी वॉज ऑलवेज एन एगेरियन इकोनॉमी। एन एगेरियन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। ऑल्सो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नेशनल इनकम इज बेसिकली अर्न्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज। सो हमारे देश के ज्यादातर लोग खेती ही करते थे और हमारे देश की ज्यादातर कमाई भी हमें खेती से ही होती थी। इसलिए हमारे देश को आज तक किसानों का देश यानी कि किसानों का भारत माना गया है और इसलिए हमारी कंट्री को एग्रीरियल इकोनॉमी कहा गया है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत प्राउडफुल बात है यार, हमारे देश में इतने सारे किसान है, बहुत प्राउडफुल बात है ये। बट इतने किसान होने के बावजूद हमारा प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं है, ये रियलिटी है। ऐसा कहा जाता है कि आज़ादी से पहले हमारे देश में करीबन करीबन 80% लोग खेती करते थे या खेती के रिलेटेड काम करते थे। अब इतने सारे लोग खेती करने के बावजूद हमारे यहाँ पे बहुत सारा अनाज इंपोर्ट किया जाता था। हमारे यहाँ पे ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था जिसमें लाखों लोग मर गए थे। तो इमेजिन करिए, ऐसा देश जिसमें ज्यादातर आबादी खेती कर रही है और फिर भी वहां पे लोगों को खाने को वांदे हैं, तो वो देश का किसान इतना सेफ, इतना मैच्योर, इतना एडुकेटेड नहीं है। और इस चक्कर में एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी बन गया था। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आज हम बात करेंगे, हम पूरा डिटेल्ड रिसर्च करेंगे कि पहले क्या था, अब क्या हो गया है, क्या क्या अच्छी चीज़ें थी, क्या बुरी चीज़ें थी, क्या मेजर्स लेने चाहिए थे, वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा आज के हमारे टॉपिक में जिसका नाम है एग्रीकल्चरल सेक्टर। चलिए, सो हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैकबोन था। जैसे कि मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ, ये मेरे अपने नोट्स हैं। अगर आप में से भी किसी को ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में नोट्स लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। या फिर आप चाहें तो हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल है @shapersEducation, वहाँ पे आप लिखिए। अभी अभी मुझे बहुत बच्चों ने नोट्स मांगे हैं, आप सबको नोट्स कुरियर हो जाएंगे। और अगर थोड़ी सी देरी हो रही है तो सर समझिएगा, अभी छुट्टियाँ बहुत आ रखी है तो हॉलीडेज के कारण कुरियर सर्विसेज वाले लेट करें, हमारे तरफ से लेट होता नहीं है। तो थोड़ा सा अगर लेट हो, आप 4-5 दिन का समय हमें दीजिएगा, आप तक हमारे नोट्स आराम से पहुंच जाएंगे। ये वैसे नोट्स सब टेक्स्टुअल बेसिस पे है, अगर आप में से कोई नोट्स अफोर्ड नहीं कर सकता है आप टेक्स्ट बुक में से पढ़िए। अगर आप नोट्स अफोर्ड कर सकते हैं, वैसे हमने बहुत ही अफोर्डेबल रेट रखा है, ओनली 299 रुपीज पर सब्जेक्ट। फिर भी अगर आपको लग रहा है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपनी टेक्स्ट बुक में से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट बच्चा लोग। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सो जैसे कि मैंने कहा, एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन है, हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर। सो जहां जहां एग्रीकल्चर होता है वहां वहां हमारी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। जहां एग्रीकल्चर होता है वहां पे इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे फार्मर्स इंडिपेंडेंट फील करते हैं, वो लोग अपने इनकम जनरेट करने के सोर्सेस में सबसे ज्यादा डिपेंडेबल सोर्स एग्रीकल्चर को मानते हैं। सो एग्रीकल्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इंडियन इकोनॉमी आज तक इंडिपेंडेंस से लेकर टिल टूडे एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो आपको इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल मिलेंगे, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो आपको सफिशियंट फूड मिलेगा, और अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ पे, आपके वे ऑफ लिविंग पे, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी इंपैक्ट क्रिएट करेगा। एंड देयरफॉर एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते हैं थोड़े डेटास। एज पर द सेंसस ऑफ 2011, आप सबको पता होगा सेंसस का मतलब होता है जनगणना। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, हर 10 साल में एक बार सेंसस होता है, वापस 2021 में होना चाहिए था बट बिकॉज ऑफ कोविड नहीं हो पाया था।
तो आखिरी सेंसस डेटा हमारे पास 2011 का है, बट तो भी अगर आपकी बुक चाहती तो 2021 के एस्टिमेट्स हमें दे सकती थी, बट उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की है। थैंक्स टू गुजरात बोर्ड, हम आज भी 2011 का ही डेटा पढ़ने वाले हैं। सो एज पर 2011 सेंसस, 68.8% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, मतलब हमारे आबादी की करीबन करीबन 68.8, राउंड ऑफ करके 70 बोलोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, तो 70% आबादी आज भी गांव में रहती है। और गांव में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है भैया कमाई करने का? खेती, एग्रीकल्चर। एंड दैट्स द रीजन कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आज भी खेती करते हैं, और अगर खेती फेल हो जाती है तो उनकी इनकम नेगेटिव हो जाती है। अगर किसी भी रीजन से खेती अच्छी ना हो, अच्छी बरसात ना हो, या कोई भैया ज्यादा बाढ़ आ जाए, कुछ भी नुकसान हो जाए खेत को, तो उनकी इनकम नेगेटिव होती है, जिसके कारण पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट आता है, पूरी इकोनॉमी की डिमांड खराब हो जाती है और पूरी इकोनॉमी में एक तरीके से मंदी का माहौल छा जाता है। एंड दैट्स द रीजन कि ऐसा कहा जाता है कि खेती हमारे देश का सबसे बड़ा बैकबोन है। चलिए इसके बाद में आगे हम देखने वाले हैं क्या खेती के ओरिएंटेड हमारी इकोनॉमी आज तक घूम रही है। तो हाँ भैया बात सही है, टिल डेट इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी है, टिल डेट, आज भी। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश रूल के बाद में आज तक इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। नो डाउट बहुत हद तक हमारा डिपेंडेंस कम हुआ है, तो भी आज भी ऐसा लेटेस्ट डेटा के हिसाब से एस्टिमेट्स है, जो कि जिसके हिसाब से आज भी हमारी 45% पॉपुलेशन खेती में इन्वॉल्व है। नो डाउट इंडस्ट्रीज का शेयर बहुत बड़ा है, जो इंडस्ट्रीज कोई जमाने में 14-15% थी, वो आज 27-28-29% तक पहुंच गई है। तो इंडस्ट्रीज का शेयर बड़ा है, सर्विस का शेयर बड़ा है, बट तो भी एग्रीकल्चर आज भी 40-45% हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है। एंड दैट्स द रीजन कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन टुडे फॉर द इंडियन इकोनॉमी। कमिंग फॉर द देखते हैं प्रेजेंट सिनारियो क्या है, तो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे थोड़ा इसके अंदर। सबसे पहला हम पढ़ने वाले प्रेजेंट सिनारियो के अंदर कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, खेती का कितना कंट्रीब्यूशन है। ये सारे डेटाज आपको याद करने पड़ेंगे, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास डेटा बहुत पुराने हैं, तो आपको वही डेटाज वही याद करना रहेगा। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का हमारे देश की इनकम के अंदर। तो याद करेगा 2011-12 के अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम वाज 53.1%, और जो पहले 2050-51 के अंदर मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे 13.9% था, वो आज की तारीख में बढ़ बढ़ के धीरे धीरे 53% तक हमारा कंट्रीब्यूशन पहुंच गया नेशनल इनकम के अंदर। अब इसके अगर हम बात देखें तो कंट्रीब्यूशन टू टोटल रेवेन्यू अगर हम देखने जाएंगे तो भी हमारी इकोनॉमी में बढ़ते जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट देखने जाएंगे तो भी बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर करीबन करीबन 72% पॉपुलेशन खेती में इन्वॉल्व है। ये आंकड़ा पहले बहुत सारा था, ये आंकड़ा 80% के आसपास था जब हमारा देश आजाद हुआ था, बट अब ये डिपेंडेंसी दिन ब दिन कम होती जा रही है। 2001-02 के अंदर ये आंकड़ा 58% हो गया था, 2013-14 के अंदर ये आंकड़ा 49% हो गया है, जहां तक मेरा अंदाजा है। अगर हम अभी लेटेस्ट सेंसस निकालेंगे तो भी ये आंकड़ा 35-40% से कम नहीं होगा। आज भी बहुत सारे लोग खेती में डिपेंडेंट है, उनका पूरा रोजगार खेती से ही निकल रहा है। सो ये हो गए हमारे एम्प्लॉयमेंट की बात। उसके बाद की बात करेंगे एक्सपोर्ट इनकम। तो हाँ भैया गलत बात नहीं है, हमारा देश आज भी खेती की बहुत सारी चीजों के एक्सपोर्ट करता है। इनफैक्ट कितने सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे कि टी, इन सब में तो हम वर्ल्ड के टॉप 3 नंबर्स में आते हैं। वीट में पंजाब इज द वीट बाउल, भैया पूरे देश को गेहूं खिलाने का काम पंजाब का है। तो ऐसे बहुत सारे अचीवमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लेके बैठे हैं। सो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट करीबन करीबन 70% था हमारे टोटल एक्सपोर्ट का। ये एक्सपोर्ट दिन ब दिन कम हो गया, और ये बहुत प्राउड वाली बात है भैया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप क्वांटिटी में देखोगे तो नंबर बढ़ गया है, बट अगर आप टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन में देखोगे एक्सपोर्ट का, तो ये नंबर सिर्फ 14.2% है 2013-14 के हिसाब से। एंड दिस इज अ गुड नंबर। ये मत सोचना सर 70% एक्सपोर्ट होता था तब खाली 12-13% क्यों है। अच्छी बात है भैया, क्योंकि अब हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल कमोडिटीज का, सॉफ्टवेयर का, आईटी का, सर्विसेज का, इन चीजों का भी बहुत एक्सपोर्ट बढ़ गया है। इसलिए एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट परसेंटेज वाइज कम लग रहा है, क्वांटिटी वाइज बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है ये आज भी। एंड दिस इज अ वेरी गुड नंबर, राइट। और ये 2013-14 की फिगर है, 2023-24 के अंदर ये आंकड़ा और भी कम रहेगा एस्टिमेटेड देखेंगे तो। नेक्स्ट इज लिविंग स्टैंडर्ड। अगर हम बात करें लिविंग स्टैंडर्ड की, तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत इंप्रूव हुआ है। ऐसा कहा गया कि इंडिया में 1951 के अंदर एवरेज पर हेड एवरेज 395 ग्राम्स अवेलेबल थे,
मतलब एक आदमी को एक दिन में खाने के लिए सिर्फ 395 ग्राम्स मिलते थे, जो 2013-14 के अंदर 511 ग्राम हो गए हैं। हमारी बदनसीबी है कि हम आज भी 10 साल पुराना डेटा लेके बैठे हैं, बट देन टू अच्छी बात है कि हमारा ये आंकड़ा बहुत बढ़ गया है, कि देखा जाए तो डेढ़ गुना लगभग हो गया है, राइट। सो 395 ग्राम से हम लोग 511 ग्राम के लगभग लगभग पहुंचे हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ भी गजब बढ़ते जा रहा है। अगर हम देखें तो पहले इंडिया के अंदर 264.4 मेट्रिक टन हमारे यहाँ पे बनने लग गया था 2013-14 के अंदर। कितना? 264.4 मेट्रिक टन, जो करीबन करीबन ढाई गुना हो गया है एज कम्पेयर टू 1951 के डेटा के कंपैरिजन में, वो ढाई गुना हो गया है। मतलब हमारा प्रोडक्शन 1951 में जो था वो 2013 में ढाई गुना हो गया है। तो आप समझिए 2023 यानी के अभी के साल के अंदर वो कितना बढ़ चुका होगा। तो मैं जहां तक मानता हूँ 3-4 गुना भैया हो गया, मतलब 4 टाइम्स हमने अपना प्रोडक्शन कर दिया एग्रीकल्चर का। उसके बाद की अगर हम बात करें तो बेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हर किसी को पता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का बैकबोन है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो रॉ मटेरियल कौन बनाता है? एग्रीकल्चर बनाता है। दैट इज द रीजन एग्रीकल्चर इज बेसिकली टर्म्ड एज बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ऐसा माना जाता है कि उसके बिना इंडस्ट्रीज पॉसिबल नहीं है। चलिए तो भैया अब बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर इतना पिछड़ा क्यों है? क्यों आज भी फार्मर्स को पुअर फार्मर्स माना जाता है? क्योंकि देयर इज वन सिंगल रीजन, दैट इज लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। जितना प्रोडक्शन करना चाहिए उतना हम नहीं कर पाते हैं। एक फार्मर के पास जितना खेत है, जितनी जमीन है, उस जमीन पे जितना प्रोडक्शन हमें करना चाहिए उतना हम नहीं फोड़ पा रहे हैं, और उसके कारण हमारे यहाँ पे फार्मर्स को गरीब माना जाता है। और मैक्सिमम फार्मर्स गरीब है भी, कुछ कस्बों को छोड़ दो तो भैया फार्मर सच में गरीब है, बाकी कुछ जगह फार्मर ठाट बाट से भैया फॉर्चुनर लेके घूमते हैं। पंजाब वंजाब में जाना, वहां के फार्मर ठाट से रहते हैं। कुछ महाराष्ट्र के कोनों में जाना, फार्मर ठाट बाट से रहते हैं, फार्मर्स अपने आप में जमींदार है। तो कुछ फार्मर्स बहुत फ्लरिश्ड है। सरकार की योजनाओं का बेनिफिट मैक्सिमम टाइम लार्ज फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स ले जाते हैं। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उन बेचारों तक सरकार की योजना का फायदा पहुंच ही नहीं पाता है। एंड दैट्स द रीजन कि इस कैटेगरी के अंदर भी फार्मर्स के अंदर गरीबी वाली कैटेगरी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो छोटे बेचारे फार्मर्स हैं उनके पास आज भी सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं क्यों भैया हमारे यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर कुछ कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारे यहाँ पे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और कुछ लीगल फैक्टर्स है। हमारे यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, एग्रीकल्चर फिनांस सिस्टम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में सिस्टम बहुत पुअर है भैया। फार्मर को लोन देने के नाम पे सरकार को बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि कितनी बार फार्मर्स लोन चुकाते नहीं है, कितना सारा फार्मर्स का लोन एनपी होता है। हम सुनते ना हर इलेक्शन से पहले सरकार फार्मर्स का 10,000 करोड़ का लोन माफ किया, 20,000 करोड़ का लोन माफ किया, एक बार महाराष्ट्र सरकार ने 80,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया। 80,000 करोड़ का लोन फार्मर्स को देके आपने वेव ऑफ कर दिया, तो कितनी बड़ी अमाउंट हो गई है ये आप इमेजिन करिए। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम रहती है, क्योंकि फार्मर को पैसा चुकाना नहीं पड़ता है या फार्मर्स पैसा नहीं चुका पाते हैं, तो वो पैसे के वो लोग अपने अनप्रोडक्टिव पर्पजेस में लगा देते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार सुना है, देखा है न्यूज में कि किसान लोन लेता है खेती के नाम पे, फिर उस पैसों से बच्चों की शादी करवा देता है, डाउरी भर देता है। तो पैसा प्रोडक्टिव पर्पस से लिया जाता है, बट उस पैसों को अनप्रोडक्टिव पर्पस में यूज किया जाता है, जिसके कारण हमारा फार्म, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा किसान पिछड़ा रह जाता है। नेक्स्ट वन, अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि हमारे पास ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स है। आज भी भैया हम गाना गा गा के बरसात ला रहे, आ रे मेघा बादल तो बरसाओ, है ना। आज भी गाना गा के ही काम चल रहा है। इरिगेशन फैसिलिटी सबके पास नहीं पहुंची है, आज भी उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं है, आज भी उनके पास HYV सीड्स नहीं है, आज भी उनके पास साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इरिगेशन नहीं है। बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस टेक्नोलॉजी के मामले में हमारा किसान आज भी पिछड़ा है। देखा जाए तो छोटे मोटे अदर फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहला प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। खेती ही ऐसी है जो सारे पूरे पूरे देश का एम्प्लॉयमेंट का बर्डन अपने कंधे पे लेके बैठे भैया। जब भी किसी को नौकरी नहीं मिलती वो गांव जाके खेती करने की सोच लेता है। सो दिस इज द रीजन कि इतना सारा बर्डन है एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चर के ऊपर, कि एग्रीकल्चर को ग्रो करने में बहुत मेहनत लग रही है। उसके साथ साथ में एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए सरकार को, या जो मेहनत करनी चाहिए किसानों को प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देने के लिए, वो नहीं हो पाता है। आज भी किसान अनाज उतना ही बनाता है जितना उसको कंजप्शन के लिए चाहिए,
उसके बाद का अनाज वो ज्यादातर मार्केट में बेच नहीं पाता है। किसान आज भी अनएडुकेटेड है, इसलिए उसको मार्केटिंग मेथड्स नहीं आते, उसको साइंटिफिक मेथड्स नहीं आते हैं, जिसके कारण आज भी किसान पिछड़ा रह जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स थे, मेजर्स थे, जिसके कारण इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो पाई। अभी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कौन से थे भाइयों, देखते हैं इधर साथ में। सबसे पहला लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स, जो भी लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स थे वो आज भी फार्मर्स तक नहीं पहुंच पाए थे। जमींदारी सिस्टम हमारे देश का सबसे पुराना सिस्टम है, जहां पे एक अकेला आदमी पूरे गांव के जमीन का मालिक होता था। अब वो आदमी, वो जमींदार अपनी जमीनों को किसान को भाड़े पे देता था, और भाड़े के नाम पे उनसे 70% प्रोडक्शन खा लेता था। तो बेचारा वो गरीब फार्मर अब 30% प्रोडक्शन से घर भी चलाए और अपने जमीन के न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट्स भी करे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके कारण भी बहुत बार प्रॉब्लम आई थी, इसलिए इस सिस्टम को अबॉलिश किया गया था। और बहुत सारा जो क्रॉप का हिस्सा था जो जमींदार को मिलता था, वो जमींदार के हाथ जाना बंद हो गया, तो थोड़ा सा फार्मर्स की कंडीशन में इंप्रूवमेंट आया था। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। सरकार ने नबार्ड जैसा इंस्टीट्यूट बनाया। नबार्ड बेसिकली है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बैंक का काम है कि वो किसानों को खेती के लिए लोन देते हैं, एग्रीकल्चर के लिए लोन देते हैं। तो इन लोगों ने किसान को लोन देना स्टार्ट किया खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और जिसके कारण उनको अच्छा पैसा मिलने लग गया था, क्रेडिट लाइन मिलने लग गई। वैसे ही रीजनल रूरल बैंक्स बनाई गई थी, वैसे ही लैंड डेवलपमेंट्स बैंक्स बनाए गए थे, और ऐसे बहुत सारे नए नए इंस्टीट्यूट्स क्रिएट किए गए थे फार्मर को मदद करने के लिए। अब थोड़ा बहुत मार्केटिंग के स्ट्रक्चर्स में चेंज किया गया, जैसे कि फार्मर्स को ट्रेडर्स से बचाने के लिए एगमार्क्स का सिस्टम लाया गया। अभी एगमार्क के सिस्टम के अंदर से पता चलता था कि भैया कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट कौन सी ग्रेड का है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट को ग्रेड देने लग गए, तो अच्छे प्रोडक्ट को अच्छा भाव मिलने लग गया था मार्केट में। वैसे ही सरकार ने नेशनल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन बनाया, स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन बनाया, जिसपे फार्मर पे कोई दबाव नहीं आए कि भैया अगर आपने गेहूं उगा लिया है या आपने कोई फ्रूट वेजिटेबल उगा लिए हैं, अब आपको उनको बेचने का प्रेशर आ जाता है कि अगर नहीं बेचेंगे भैया तो 2 दिन 5 दिन हफ्ते भर में खराब हो जाएगा। तो सरकार ने आपके लिए अच्छी वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज बना दी है, जिससे आप अपने प्रोड्यूस को आप ले जाके वेयरहाउस में रख सकते हो और आराम से ठाट बाट से भाव खा के बेच सकते हो, जिससे आपके ऊपर प्रेशर कम रहता है। ये भी सरकार ने अच्छे काम किए थे। तो इस तरीके से सरकार ने एक बॉटम प्राइजेस फिक्स कर दी, जिसको हम बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। ये MSP के तहत किसी को भी एक बॉटम प्राइस के नीचे खरीदना अलाउड नहीं है, ये कानून बन गया। तो हर एक एग्रीकल्चरल कमोडिटी की एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकाल दी गई थी, जिससे फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत हद तक कम हो गया था। उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट्स बनाई गई थी नबार्ड के तहत। नबार्ड के पास से पैसा लेके एग्रीकल्चर में भी रिसर्च किए गए थे, एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट भी बनने लग गए, जो खेती के रिलेटेड चीजों पे रिसर्च करना स्टार्ट कर चुके हैं। वैसे ही टेक्नोलॉजिकल अगर हम मेजर्स देखें, तो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स के तहत हम लोगों ने नए नए सीड्स यूज किए, जिसको हम HYV सीड्स के नाम से भी जानते हैं। ये सीड्स हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स होते हैं, जिनके अंदर जो पानी अगर थोड़ा कम हो या धूप थोड़ी ज्यादा लग जाए तो ये सीड्स मैनेज कर लेते हैं भैया, बहुत हाई यील्डिंग क्वालिटी की सीड्स होते हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजिकल मेजर्स के अंदर इन्होंने अच्छे अच्छे सीड्स यूज करना चालू किया, इन्होंने केमिकल्स बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज करना स्टार्ट किया, इन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज को एक्सपेंड करना चालू किया, और साथ साथ में मशीन्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो धीरे धीरे खेती के अंदर भी नई नई मशीन्स बनने लग गई थी। ट्रैक्टर्स और स्प्रिंकल्स के सिवाय दुनिया भर के नए आविष्कार भी खेती के अंदर होने लग गए थे। उसके बाद में अगर देखे तो खेती के अंदर और भी नए नए टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, जैसे कि पेस्टिसाइड्स आने लग गए, सॉइल की टेस्टिंग होने लग गई। भैया आप कोई भी जमीन पे कुछ भी अनाज मत उगाओ, आपको सॉइल की टेस्टिंग करवाओ, वो टेस्टिंग लैब वाले बताएंगे कि आपके सॉइल के अंदर ये पर्टिकुलर केमिकल की मात्रा ज्यादा है, तो आपको ये वाला क्रॉप उगाना चाहिए, ये क्रॉप ज्यादा बेहतर उगेगा। तो इस तरीके से सॉइल टेस्टिंग होने लग गई थी। तो उसी के साथ साथ थोड़े बहुत और भी फैक्टर्स है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोगों ने फार्मर्स को एडुकेट करना स्टार्ट किया, फार्मर्स को जगाना स्टार्ट किया, फार्मर्स के लिए फेयर रखे गए, जिसको एग्रीकल्चर फेयर कहा जाने लग गया। इन फेयर के अंदर फार्मर्स को अच्छा सपोर्ट देने लग गए गवर्नमेंट की, फार्मर्स खुद अपना प्रोडक्ट सीधा का सीधा ट्रेडर को बेच सकते बीच में से मिडिलमैन को हटा के। उसी तरह से छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को और एक्सपेंड किया गया था। तो ये सारे बेनिफिट सरकार ने दिए थे फार्मर्स को अपनी कंडीशन को और खेती की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब बात करते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर की। तो भैया हम सब जानते हैं हमारे यहाँ पे आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज बेसिक रिवॉल्यूशन, जहां पे क्यों उसे रिवॉल्यूशन कहा जाता है,
क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत हमारा प्रोडक्शन 10% 20% 30% नहीं बनाता, डबल ट्रिपल चौपल होने लग गया था, एंड दैट वाज मैसिव, बहुत बड़ा इंक्रीमेंट था, इसलिए उस इंक्रीमेंट को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत हम लोगों ने हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम्स के तहत हम लोगों ने नए नए हाई यील्डिंग सीड्स बनाने लग गए, हमने मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम को फॉलो किया, हम लोगों ने प्रोग्राम फॉर सीड्स फर्टिलाइजर एंड वाटर टेक्नोलॉजी निकाला, और इनके तहत हम लोगों ने एग्रीकल्चर को बहुत ग्रो किया। साथ ही में हम लोगों ने मल्टीपल क्रॉपिंग करना फार्मर्स को सिखाया, फार्मर्स को बताया कि भैया पहले फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करो, फिर नॉट फूड ग्रेन प्रोड्यूस करो, पहले कैश क्रॉप्स लगाओ तो एक बार आप पल्सेस लगाओ, इस तरह से उनको रोटेशन और मल्टी क्रॉपिंग के मेथड्स बताए गए थे। क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग उनको इंश्योरेंस स्कीम्स देने लग गई थी, अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड बनाए गए थे, जिससे कि ये पता लग सके कि कौन सा इंसेक्टिसाइड या कौन सा पेस्टिसाइड किस मात्रा में यूज करना सही रहेगा। तो इस तरह की बहुत सारे योजना सरकार ने निकाली और जिससे इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई, फार्मर्स तक पहुंचाई कि कितनी क्वांटिटी पेस्टिसाइड्स यूज करना चाहिए, कितने टाइम गैप के साथ यूज करना चाहिए, किस लेवल तक वो पॉइजनस नहीं होगा, किस लेवल के ऊपर जाके वो पॉइजनस हो जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन सरकार ने किसानों को देना चालू किया और एग्रीकल्चर में रिसर्च भी स्टार्ट हो गए थे। रिसर्च के लिए एक नई सी इंस्टीट्यूट बनी है, इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इस इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये रही भैया ये इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट आज की तारीख में भी किसानों के लिए अलग अलग तरीके रिसर्च करती रहती है। तो इस तरीके से ये था आपके चैप्टर की पूरी समरी। इसके बाद में हमारे नोट्स में आपके लिए क्वेश्चन बैंक्स भी अवेलेबल है, जिसके अंदर बहुत सारे MCQs है, जिसके अंदर बहुत सारे 1 mark 2 mark के क्वेश्चंस है, और इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आराम से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप लोग चैप्टर्स को याद कीजिए, हम लोग ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं जिससे कि आप लोग एक बार अपने सारे सिलेबस को रट डालो, समझो रटो, समझो रटो। उतना होने के बाद में मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स के भी वीडियो लेके आऊंगा, बट आप सबको पता है कि दिसंबर महीना भैया खत्म हो गया है, और दिसंबर महीना खत्म होने के बाद अब आपको पता है जैन से लेके मार्च तक में आपके पास 60 से 70 दिन बचे हैं, तो अब आपको थोड़ा जी लगा के पढ़ना पड़ेगा, जोर लगा के पढ़ना पड़ेगा भाई। कोई गप्पे, कोई बातें, कोई मोबाइल के शौक ज्यादा मत पालिए, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपका 12th बोर्ड है, बोर्ड आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना चालू कर दीजिए। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चरल सेक्टर। मैं कल वापस से आऊंगा आपके पास अगले चैप्टर को लेके, और मेरा वादा है कि रोज आपके लिए एक नया वीडियो आएगा। बस आपसे इतना उम्मीद है, इतने आपसे मुझे खाली मोटिवेशन चाहिए कि जरूर से इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, अपने स्कूल बडीज के साथ, अपनी सोसाइटी वालों के साथ, कि उनको बताइए कि यहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जा रहा है, कि आपकी पढ़ाई को बहुत आसान किया जा रहा है। ये समरी वीडियोज इसलिए शॉर्ट एंड क्विक रहेंगे, डिटेल वीडियोज अगर आपको चाहिए तो ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स के बनाए हुए, बाकी चैप्टर्स के मैं धीरे धीरे डालने की कोशिश करता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, ध्यान रखते रहिए।